हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी मैथ्स क्लास कंटिन्यूसली चल रही है और हमें जल्दी से जल्दी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। और मुझे मालूम है आपको सिलेबस नहीं पता, लेकिन जल्दी आपको मालूम हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हम एक्सरसाइज 3.4 चल रही है हमारी, और इसमें हमने क्वेश्चन 1 और 2 किया था, जिसमें से कुछ पार्ट्स रह गए थे, उसको देख लेते हैं पहले। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स थे हमारा, सी में क्या था, सी था 35 एंड 50। क्या करना था इनमें, राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने थे। तो सबसे पहले 35 के कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, 35 के होंगे 1 एंड 35, और इसके अलावा 2 से नहीं आ सकता, 3 से नहीं आ सकता, 4 से नहीं आ सकता, 5 से 5 और 7, इसके अलावा 5 7 के बाद 7 5 ही वापसी रिटर्न हो गया, अब आगे नहीं देखेंगे। और 35 के अलावा 50 को देखेंगे, 50 कैसे आ सकता है, 1 एंड 50, और 150 के बाद 2 एंड 25, 2 एंड 25, ठीक है। और 2 के बाद 3 से आ सकता है, नहीं आ सकता, 4 से नहीं आ सकता, 5 से 5 5 25 नहीं आ सकता, और 5 से भी नहीं आ सकता, 6 से भी नहीं आ रहा, 7 से भी नहीं आ रहा, इट मीन्स किसी से नहीं आ रहा। फाइव से 5 10, ठीक है, 5 और 10, 50, ठीक है, 50, ये भी 50, तो इस तरीके से हमारा 5 से भी आ जाएगा, और 5 के बाद 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, और 10 5 से ये रिटर्न हो गया वापसी, इससे आगे नहीं देखेंगे। अब देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पर 1 कॉमन है और एक 5 कॉमन है, ठीक है, तो 1 एंड 5 क्या हो गया, इसके कॉमन फैक्टर हो गए। तो कॉमन फैक्टर फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 एंड 5, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर सी के बाद डी देखेंगे जल्दी जल्दी। ऑप्शन डी में हमारे पास क्या रहेगा, 56 एंड 120, ठीक है। तो 56 के फैक्टर देखेंगे, 56 क्या रहेंगे, 1 एंड 56, इसके अलावा 2 एंड 28 की 2 से करेंगे तो 56 होगा। अब 3 से हो सकता है क्या, ये 3 से नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन डिविजिबल है 3 से, इसलिए इसका कोई फैक्टर 3 का हो ही नहीं सकता। 4 से हो सकता है, अच्छा 4 से कितने का होगा, 14 4 and 14 14 4 56 होता है, इसलिए 4 से हो गया। और 5 से नहीं हो सकता, 6 से नहीं हो सकता, और 7 से हो सकता है, 7 8 56, और फिर 8 7 56, यानी रिपीट हो गया यहाँ पर, अब इससे आगे नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। और इसके बाद 56 के बाद 120 रहेगा पहले, तो इसके बाद 2 से 2 एंड 60 रहेगा, ठीक, और 260 के बाद हमारा 3 से 340 रहेगा, 3 एंड 40, ठीक है, 340 के बाद 4 से अगर देखें तो 430 रहेगा, ठीक है, 430 के बाद अगर देखें तो 4 के बाद 5 से कितने की मल्टीप्लाई करके हमारा 120 बनेगा, 5 10 जा तो 50 होता है, 5 2 जा आपका यानी 20, और 5 4 जा 24, ठीक है।
तो हमारा 5 की कितने से 20 एंड 24, 24 से अगर हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 बनेगा। इसी तरह 5 के बाद 6 से देखेंगे तो 6 एंड 20, ठीक है, और 6 एंड 20 के बाद 7 से नहीं होगा, 8 से 8 15 सा 8 एंड 15, ठीक है, और 8 15 के बाद आपका क्या रहेगा, 8 15 के बाद सोचिए जल्दी से, और 8 15 के बाद 9 का 9 नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसको हमें डिवाइड करके देखना होता है, अगर ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो समझेंगे हम कि जरूर इसका फैक्टर होगा। इस नंबर को हम डिवाइड करके चेक करेंगे क्या ये नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है, अगर पूरा डिवाइड हो रहा है इट मींस इसका फैक्टर वो नंबर होगा, ठीक है, और कितनी बार में डिवाइड हो रहा है वो भी फैक्टर होगा उसका, ठीक है। तो 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 9 3 बच गया 13, 9 3 सा 27, तो इसमें रिमाइंडर बच रहा है इसलिए 9 नहीं है, और 10 है, यस 10 है और 12 है, ठीक है, और 12 के बाद 12 की 10 से यानी 11 तो है नहीं, 12 की 10 से आपसे रिपीट हो गया, अब नहीं मिलेगा कोई भी, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन कॉमन फैक्टर है, 1 कॉमन है, ठीक है, और 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, इसके बाद आपका 3 नहीं है ऊपर, 4 नीचे है, यस 4 कॉमन है, इसके बाद 7 नहीं है नीचे, ऊपर 14 है, नीचे 14 नहीं है, और 28 नहीं है नीचे, ऊपर वाले देख लेते हैं, 56 है ऊपर, नीचे 56 नहीं है, 28 भी नहीं है नीचे, 14 भी नहीं है नीचे, 7 और 8 8 है, 8 8 7 नहीं है, ठीक है। तो अब कितने है? 1 2 4 and 8, ये हमारे चार फैक्टर हो गए कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर is equal to 1, 2 and 4 and 8, 4 and 8 बस, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमने क्वेश्चन 1 के दोनों पार्ट्स कर लिए, इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो हमने छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट यानी बी, ठीक है, बी में था हमारा 5 15 एंड 25, क्या करना था इनमें कॉमन फैक्टर निकालना था, 5 15 एंड 25। अब देखिए 5 का कॉमन फैक्टर क्या रहेंगे, 5 ही रहेगा 1 एंड 5, इसके अलावा 15 का कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, 1 एंड 15 एंड 3 एंड 5, ठीक है, इसके अलावा नहीं रहेगा क्योंकि 5 3 का रिपीट हो गया, तो इसके बाद 25 में कॉमन रहेगा 1 25 एंड 5 5, ये हमारे कॉमन फैक्टर्स सॉरी फैक्टर्स हैं, 5 के फैक्टर्स ये हैं, 15 के ये हैं, 25 के ये हैं। तो अब देखिए 1 कॉमन है तीनों में, ठीक है, एंड 5 कॉमन है तीनों में, इसके अलावा इसके पास कुछ बचा ही नहीं, तो कॉमन होने का सवाल ही नहीं बनता। कॉमन उसी नंबर को कहेंगे जो तीनों में मौजूद हो, ठीक है, जो तीनों में मौजूद होगा वो कॉमन नंबर कहलाएगा। तो अब क्या लिख सकते हैं हम, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
अब हमारे पास आते हैं मल्टीपल्स। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? कॉमन फैक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स। मल्टीपल्स बहुत इजी होते हैं। मल्टीपल्स कहते हैं जिस तरह हमारे टेबल होते हैं उसी तरह ये मल्टीपल्स होते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 में ए है हमारे पास 6 and 8। क्या करना है इसमें? फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, यानी इनके हमें क्या करने हैं, कॉमन फैक्टर्स सॉरी 3 मल्टीपल्स निकालने हैं। शुरू के 3 कह रहा है, इट मींस इसके बहुत ज्यादा हो सकते नहीं होते ही हैं। यानी मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं और फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। इस बात को ख्याल रखिएगा, मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं, जितने चाहे हम निकाल सकते हैं, लेकिन फैक्टर लिमिटेड होते हैं। जितने होंगे सिर्फ उतने ही होंगे फैक्टर्स तो, लेकिन मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 के मल्टीपल्स लिखना चाहें तो 3, 6, 9, 12 क्या है ये टेबल चलता रहेगा, कहां तक? 30 तक। और 30 के बाद क्या होगा? 33, 36 के बाद 39 के बाद 42, इस तरीके से ये क्या होगा, चलता रहेगा। इट मींस अनलिमिटेड आपको मल्टीपल्स मिलेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल्स आपके पास समझ में आ गई होगी, मल्टीपल्स किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, हमसे पूछ रहा है फर्स्ट 3 मल्टीपल्स, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। बात कॉमन की कर रहा है तो कॉमन देखना है हमें। पहले मल्टीपल्स लिखते हैं, 6 के मल्टीपल्स ऑफ 6 ऑफ 6, इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या रहेंगे, 6, 12, 18, सिर्फ 3 लिखने थे फर्स्ट, लेकिन कॉमन लिखने थे। हमें ये नहीं कहा कि सिर्फ 3 लिखो, हमसे ये कहा कि शुरू के 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखो। अभी हम सिर्फ मल्टीपल्स लिख रहे हैं, कॉमन की बात नहीं कर रहे, तो हम ज्यादा से लिख लेते हैं 18 और 24, 30, 36, 42, इस तरीके से हमारा चलता रहेगा 48। ठीक है, और 8 में क्या रहेगा, 8, 16, 24 और आपका 32, 40, 48। अब देखते हैं, चलिए देखें नंबर 1 कॉमन कौन रहेगा। नंबर 1 कॉमन हमारा 24 क्या है, कॉमन है। ठीक है, और 24 के बाद कौन सा कॉमन है, 32 नहीं है, 40 नहीं है, 48 हमारा दूसरा रहा। इट मींस हमें और आगे के भी क्या करने पड़ेंगे, इनके मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमें तो 3 चाहिए ना, हमारे 1, 2 ही तो कॉमन मिले हैं। कॉमन मींस एक जैसे होना दोनों में, तो एक जैसा यहां तो कोई था नहीं, यहां ये मिला, इसके बाद ये कोई कॉमन नहीं, ये 48 कॉमन है, इसके बाद हमें इनके आगे के भी लिखने पड़ेंगे। तो अभी हमारे पास जगह कम है, दोबारा से लिख लेते हैं इनको। ठीक है, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं। फोर्टी एट के बाद क्या रहेगा, 54, 60, 66, 72, 78 और इस तरीके से चलता रहेगा। बस कितना ही होता है, इतने में मिल जाएगा हमें। और 48 के बाद 8 के टेबल में क्या चलेगा, 56 के बाद 64 और 72 और 72 के बाद 88 बस इतना ही बहुत है। अब देखते हैं हमारे पास 48 के बाद कोई नंबर कॉमन मिला,
72 क्या है कॉमन है, तो इट मींस हमारे कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए, कॉमन मल्टीपल्स इक्वल टू सबसे पहले है 24, ठीक, 24 के बाद 48 और 48 के बाद 72, ठीक है, क्योंकि इसने शुरू के तीन पूछे थे, फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स, फर्स्ट है ये थ्री और कॉमन है और मल्टीपल्स है, ठीक है, इन दो नंबर्स के, इन दो नंबर्स के फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स हमने यहां लिख दिए, मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स हमने लिख दिए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और समझने की कोशिश करते हैं, इसमें अब आपको खुद से ही करना है, ये क्वेश्चन बी आपके लिए होमवर्क है, मैंने क्वेश्चन ए कराया है और आप करेंगे रफ कॉपी में, ठीक है, कल मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि किस तरह से होना है, ठीक है, थर्ड का बी ऑप्शन आपके लिए होमवर्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4, हमें क्या करना है, ऐसे कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं 3 and 4 के जो 100 से छोटे हैं, पहले तो हमें 3 and 4 के मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर में 3 and 4 के मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है, 3 के यहां लिखते हैं 4 के यहां लिखेंगे, तो 3 के मल्टीपल्स अभी हमने लिखे भी थे 3, 6, 9, अब ये कहां तक लेके जाना है, 100 तक लेकर जाना है, ठीक है, क्योंकि 100 से छोटे जितने भी कॉमन होंगे वो हमें लिखने हैं, 3, 6, 9, 12, चलिए मैं लिख देता हूं, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। चलिए अब हम इसको ऐसे ही समझ लेते हैं आसान तरीके से, ठीक है, हमने नंबर्स लिखे, किसके लिख रहे हैं हम, मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख रहे हैं सिर्फ, देखिए सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या है हमें ये चेक करना है सिर्फ, उसके बाद के ऑटोमेटिक मिल जाएंगे हमें, कैसे देखिए, सबसे पहला 3 and 4 का कॉमन मल्टीपल क्या है, उसके लिए हम 3 and 4 से दोनों नंबर से हर एक नंबर को डिवाइड करेंगे, हमें सिर्फ पहला हासिल करना है, सिर्फ पहला, उसके बाद आसानी से मिल जाएंगे। देखिए सबसे पहला 3 से तो ये 3 डिवाइड हो सकता है लेकिन 4 से नहीं हो सकता, 6 की बात करें तो 3 से तो हो सकता है लेकिन 4 से नहीं हो सकता, इसको भी देखें तो ये 4 से तो हो सकता है लेकिन 4 से नहीं हो सकता, इसकी बात करें तो ये 4 से भी हो सकता है और 3 से भी हो सकता है, इट मींस ये हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है जो 3 एंड 4 का कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, 3 एंड 4 से दोनों से पूरी तरह डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं ये कॉमन मल्टीपल है किसका, 3 एंड 4 का, ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए सिर्फ हमें 12 के कॉमन मल्टीपल्स लिख देने, वही 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स होंगे, फॉर एग्जांपल 12 के कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, 12 24, यानी 12 का टेबल पूरा, 24 के बाद 36 48 and 60, इस तरीके से, यानी पूरा हमारा क्या है ये 12 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स होंगे, मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी, 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स वो नंबर्स होंगे जो 12 के कॉमन मल्टीपल्स होंगे, सॉरी 12 के मल्टीपल्स होंगे वही हमारे 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स होंगे, ठीक है, हमने क्या किया 3 एंड 4 का कॉमन मल्टीपल तलाश किया पहला, और पहले के बाद हमने उसी नंबर के मल्टीपल्स लिख दिए, वही हमारे 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे,
क्लियर। चलिए हम लिख देते हैं। अब हमने क्या करना था, सिर्फ पहला लिखना था, ये आपको लाइन नहीं लिखनी है जो मैं मिटा रहा हूं, सिर्फ आपको लिखनी है फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ थ्री एंड फोर, ठीक है, इज इक्वल टू 12, ठीक है। हमने निकाला था 12 क्या है, दोनों का कॉमन मल्टीपल है फर्स्ट। इसके बाद हमको हमें क्या करना है, 3 एंड 4 के फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 इज इक्वल टू 12 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहां पर 12 के कॉमन मल्टीपल्स लिखेंगे 12, तो यही हमारे क्या होंगे, हम 12 के बजाय 3 एंड 4 लिखेंगे यहां 3 एंड 4 कॉमन मल्टीपल ऑफ कॉमन मल्टीपल्स। क्या रहेंगे, सबसे पहले तो 12 के बाद 24, 36, 48, 48 के बाद 60, 60 के बाद 12, 24, 36, 48, 60, 60 के बाद 72, 84 एंड 96। ये सब क्या है, 12 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स हैं। 3 एंड 4 के क्या है, कॉमन मल्टीपल्स हैं। और मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।